हेलो जिमनास्ट एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय इनिशिएटिव जिसका नाम है इफ जिमनास्ट थिंग्स। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू डू अ फुल स्प्लिट लाइक अ जिमनास्ट, कि जिमनास्ट किस तरीके से फुल स्प्लिट सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल विदाउट एनी फर्दर अडू। सो फुल स्प्लिट करने से पहले वार्म अप आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊँगा जिससे आपकी जो स्पेसिफिक मसल्स है जो आपको फुल स्प्लिट करने में हेल्प करेगी वो वार्म्ड अप हो जाएगी और आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट अ वार्म अप। सो ये हर एक्सरसाइज आप कम से कम 5 से 6 बार ज़रूर करें। सो इसके बाद आपकी बॉडी वार्म अप हो चुकी है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी थोड़ी बेसिक स्ट्रेचिंग के साथ। सो आप पहला स्ट्रेच कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे। जस्ट सपोज़ आपका फेस इस तरफ होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा क्वार्टर टर्न करके आलती पालती मारनी है क्रॉस लेग। फिर उसके बाद अपना राइट लेग को उठा करके इसके ऊपर से क्रॉस करना है। ये आपकी जो ग्लूटियस मैक्सिमस और जो मिनिमस मसल्स है जो इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग में, उसको स्ट्रेच करेगी। इसके बाद आपको अपने घुटने को पकड़ना है और अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करनी है। सो ये पुल आपको यहाँ स्ट्रेच फील कराएगा, इस आउटर मसल ऑफ हिप। तो इससे आपका जो हिप है वो रिलीज होगा, जो स्ट्रेचिंग करने में आपको मदद कराएगा। इस स्ट्रेच को आपको दोनों तरफ परफॉर्म करना है, तो इसमें कोशिश करनी है कि आपके पैर दोनों मिले हुए हों और आप देखेंगे कि आपकी जो घुटने हैं वो थोड़े से उठे हुए हैं। तो इसको आपको प्रेस करना है। तो प्रेस कैसे करना है, एक बार में एक साइड में ही प्रेस करना है, वो भी अपनी एल्बो से, कुछ इस तरीके से एल्बो से प्रेस करना है। तो आप उस तरफ झुकते चले जाएंगे, कोशिश करनी है अपने दूसरे पैर को वहीं रोके रखने की। इस स्ट्रेच को या फिर इस पुश को आप कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर यही स्ट्रेच आप दोहराएं दूसरी तरफ। इससे आप धीरे धीरे ये नोटिस करेंगे कि आपका जो हिप जॉइंट है वो ओपन अप होगा, जो कि हिप मोबिलिटी के लिए और फुल स्प्लिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपकी ये बटरफ्लाई पोजीशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि इस तरह दिखेगी होगा, जिसको हम फ्रॉग पोजीशन भी बोलते हैं, तो इसमें क्या करना है, आपको अपने लेग्स को बेंड करके रखना है और एल्बो पे आ जाना है। तो दोनों पैर पीछे से मिले हुए रहेंगे और कोशिश करनी है इसको स्ट्रेच करने की, और इस पोजीशन को आप होल्ड करें जितना हो सके। ये मिनिमम आप 30 सेकंड होल्ड करें, जिससे आपकी जो ग्रोइन मसल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फुल स्प्लिट में, वो स्ट्रेच होंगी। सो फ्रॉग स्ट्रेच के बाद मैं आपको एक सेल्फ स्ट्रेच बताने वाला हूँ, जो कि जब आप फुल स्प्लिट अटेम्प्ट करेंगे उससे पहले आपको दीवार के सहारे करना है, जिसके लिए आपको एक बैंडेज चाहिए होगी और आप कोई भी रोप वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे जिमनास्टिक्स किट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बैंडेज। तो सो आपको दीवार के सहारे कुछ इस तरीके से लेट जाना है कि जितना हो सके आपके हिप्स दीवार से क्लोज रहें, और अगर थोड़ा बहुत भी रह जाए आपके दीवार से टच होने के लिए तो आपको पास में हो जाना है। और उसके बाद अपने पैर खोल लेने हैं जितने खुलेंगे। तो आपकी शुरुआत में थोड़े पैर बेंड रहेंगे और खुलने में लगेंगे, लेकिन आपको ये करना है कि अपना एक दाहिना पैर पूरा ज़मीन की तरफ लेके जाना है और इसको बैंडेज को कुछ इस तरीके से पैर में बांध करके अपने एंकल के पास यहाँ रख लेना है, और अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने पैर को रोक करके रखना है, अपने बाहिने हाथ से बाहिने पैर को नीचे की तरफ खींचना है। तो जितना आप अपना स्ट्रेन झेल सकते हैं आप अपने हिसाब से इसको कीजिए, और इस स्ट्रेच को मिनिमम 30 सेकंड होल्ड कीजिए। उसके बाद आप इस स्ट्रेच को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर होगा, जिसमें आपको ये करना है कि अपना लेफ्ट लेग बेंड रखना है और हाथों पे वेट रहेगा आपका, और राइट लेग को आपको उस रेज्ड प्लेटफॉर्म पे रखना है और एल्बो पे आ जाना है। तो इस पोजीशन में आपको मिनिमम 20 टाइम्स बाउंस करना है। इसको हम बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं, जो कि एक साइंटिफिक वे है स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करने का।
सो इसमें आपको कंटिन्यूसली बाउंस करना है, कहीं भी होल्ड नहीं करना है, और सेम एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है अपने दूसरे पैर के साथ। जब आपका ये कंप्लीट स्ट्रेच हो जाए, उसके बाद आपको ये करना है कि एक बार में एक पैर को सीधा करने की कोशिश करनी है और फिर वापस बेंड करना है, फिर दूसरे पैर के साथ भी सेम यही करना है और फिर ऐसा। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 10 times रिपीट करें, 5 times दोनों तरफ। सो ये हमने 5 stretch करी, उसके बाद आप फुल स्प्लिट अटेम्प्ट करने के लिए, मतलब कोशिश करने के लिए तैयार हैं, जो कि आप कुछ इस तरीके से करेंगे। आपको दीवार के सहारे खड़े हो जाना है और उसके बाद अपने पैर खोलने हैं कितने कि जितना आपका हाथ लग सके, और आपका हिप्स दीवार पर टच होना चाहिए जिससे आप पीछे की तरफ नहीं गिरे, और धीरे धीरे अपने पैरों को खोलने की कोशिश करें। तो शुरू में आपकी स्ट्रेचिंग इतनी ही रहे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपका वेट हाथों पे कम से कम, इसके लिए आप उंगलियों पे वेट ले सकते हो और कोशिश करो ऊपर ले जाए, तो ये आपका पूरा वेट ग्रोइन मसल्स में जाएगा जिससे आपको स्ट्रेच फील होगा पैरों के अंदर वाले हिस्से में। तो इस स्ट्रेच को आप 15 seconds होल्ड करें 2 बार, फिर आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि आपकी स्ट्रेचिंग इम्प्रूव हो रही है और आप ग्राउंड के और नज़दीक होते जा रहे हैं। तो ये हमने आपको कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस और 6 steps और स्ट्रेचिंग बताई, जिसकी वजह से आप फुल स्प्लिट कर सकते हैं जस्ट लाइक अ जिमनास्ट, जैसे जिमनास्ट परफॉर्म करते हैं। सो इसमें कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो सकती, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं, ये आपको मिनिमम 2 से 3 हफ्ते करना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी फुल स्प्लिट पूरी कम्प्लीट होगी। तो आप ये ना सोचें कि मैं 1 हफ्ते में या 2 दिन में या फिर मैं जल्दी सीख जाऊँ, तो जिससे आप अपने मसल्स को हर्ट भी कर सकते हैं, मतलब चोट पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप ध्यान रखें कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करें और किसी भी चीज़ को करने में जल्दबाजी ना करें। तो अगर आप ये स्टेप पूरा करते हैं तो आई एम श्योर एंड सर्टेन कि आपकी फुल स्प्लिट कम्प्लीट हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ जिमनास्ट थिंग्स, एंड जस्ट रिमेंबर डू इट फॉर द एंथम। जय हिंद।